कैपेसिटर डीसी में कैपेसिटर का कोई रोल नहीं, ओपन सर्किट होता है अभी। हाँ अब उसकी बात करेंगे। इंडक्टर में शॉर्टिंग होती है, वो शॉर्ट होता है, ठीक है, ऐसे ही कैपेसिटर ओपन होता है, अभी उसकी बात करेंगे। नाउ कमिंग टू आई एम इज इक्वल टू सी ओमेगा वी एम, सी ओमेगा वी एम, ठीक है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यस सर। तो हमारे पास करंट है, वोल्टेज है, नीचे तो कुछ नहीं है, तो नीचे हमें सी ओमेगा को उठा के ले जाना पड़ेगा, ठीक है। नीचे सी ओमेगा को उठा के ले जाना पड़ेगा और फिर हम इसको लिखेंगे आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन वन अपॉन सी ओमेगा, ऐसे लिखा जाए, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है वन अपॉन सी ओमेगा, इसको हम लिखते हैं फिर वी एम अपॉन एक्स सी। ओके सर, ठीक है। सो देयरफॉर एक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन सी ओमेगा और वन अपॉन सी टू पाई न्यू, ठीक है। अब न्यू कहां पर आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, यानी इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आपके सवाल पे आते हैं, डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो, जीरो, और वन अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो एक्सी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो मतलब कैपेसिटर डीसी को तो जाने ही नहीं देगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, मतलब उसको पास ही नहीं होने दे रहा उसमें। यस सर। और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे तो ये रेशियो छोटी होती चली जाएगी। यस सर। डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो रेशियो छोटी होगी, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटना शुरू कर देगा। यस सर। और जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटता जाएगा फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से, ठीक है, तो इसी को हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं, ठीक है। यस सर। ये समझ में आ गया। यस सर। अभी अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का बिहेवियर कैसा है, अगेन इट इज अपोजिंग, इट इज अपोजिंग द एसी, एसी को अपोज कर, अपोज करने का जो भी नेचर है वो रेजिस्टेंस वाला ही नेचर होता है। ओके सर। ठीक है। हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्ड स्पेशल यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ठीक है। डीसी के लिए वो कैपेसिटर ही है, एसी के लिए उस कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हाँ ठीक है, ठीक है। यस सर। एसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें, और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्योंकि रेजिस्टेंस वाला काम कर रहे हैं इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम, इसको भी हम ओम में ही मेजर करते हैं, ठीक है। यस सर। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ओम।